हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। चलिए नीट के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट कुछ ईयर के चैप्टर 19 के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसको हम लोग आज देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। डिसेंडिंग लिंब कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, वाटर को निकलने देगा, इलेक्ट्रोलाइट को नहीं निकलने देगा। गलत है स्टेटमेंट। द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। असेंडिंग लिंब वाटर के लिए इम्परमिएबल है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द डिसेंडिंग लिंब इज इम्परमिएबल टू वाटर, गलत। द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर, गलत। सही कौन सा है? असेंडिंग लिंब। ये हमारा लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिंब जो है वो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है कि वाटर के लिए इम्परमिएबल है। यही स्टेटमेंट सुन लीजिए, यही स्टेटमेंट ठीक है। अगला है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। वेयर एज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सोडियम रीअब्सॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीटेड बाय एल्डोस्टेरोन, सिक्रीटेड बाय एडिनल कॉर्टेक्स है, एडिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को टिक लगाइए, चार नंबर जेब में डालिए, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन? लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक वाटर को एब्जॉर्ब कराता है कहाँ से? डीसीटी से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, कंसनट्रेट कर देता है यूरिन को। तो लो लेवल में तो बल्कि डायूरेसिस हो जाएगा, ज़्यादा यूरिन निकलने लगेगा। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टूवर्ड्स इंटर इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, बस यही बात रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। कि जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला के डेप्थ में जाएंगे, ऑस्मोलिटी बढ़ने लगेगी। यहाँ पे करीब 300 मिली ऑस्मोल है, यहाँ पे करीब 1200 मिली ऑस्मोल है। तो हाई ऑस्मोलिटी एट द डेप्थ ऑफ द मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन, नथिंग टू डू विद द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेस, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन नॉट फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी इज द करेक्ट आंसर, यू शुड गो विद द हाई ऑस्मोलैरिटी। अब आगे आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस? डाईयूरेसिस क्या है? एक्सेसिव यूरिन और मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, दैट इज द डाईयूरेसिस। तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, जी हाँ ठीक। सोडियम एब्जॉर्ब होगा, पीछे पीछे वाटर भी आ जाएगा, प्रिवेंशन डाईयूरेसिस हो जाएगा। एट्रियल नेटोटिक फैक्टर कॉजेज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, दिस इज नॉट द कॉजिंग इफेक्ट ओवर द डाईयूरेसिस। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन का अगर सिक्रीशन कम हो जाए, तो रेनिन अगर सिक्रीट होता है तो वो कंसनट्रेट कर देता है। डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा यूरिन बनने लगेगा। अगर रेनिन का सिक्रीशन कम होगा, यूरिन ज़्यादा बनने लगेगा, डाईयूरेसिस हो जाएगा। हम लोगों ने पहले क्या बोला, प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस को, हाँ ये पहला ही सही है। मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ, अंडर सिक्रीशन एडीएच का होगा, मोर वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा, कम वाटर एब्जॉर्ब होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को चुन लीजिए। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है जी। यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस मे रिजल्ट इन नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्टअप इन द बॉडी, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम, रिड्यूस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सी चीज़ें हो जाएंगी अगर आर्टिफिशियल हम लोग किडनी को यूज़ कर रहे हैं? सी एंड डी करेक्ट है। अगर आर्टिफिशियल किडनी यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि हीमोपोइसिस कम हो जाएगी। जो हमारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सेक्रीशन कम होगा, इरिथ्रोपोइसिस कम होगी, आरबीसी कम बनेगी। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी, ये भी हो जाएगा क्योंकि विटामिन डी को एक्टिव विटामिन में बदलता है, एक्टिव विटामिन डी में, फंक्शनल विटामिन डी में कौन? किडनी। और फंक्शनल विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, जब फंक्शनल विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, आपको सी और डी को चुन लेना, ठीक है जी।
तो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी. द स्टेटमेंट ए बी आर इनकरेक्ट बिकॉज डायलिसिस एलिमिनेट्स यूरिया एंड पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी. डायलिसिस करेंगे तो यूरिया भी एलिमिनेट हो जाएगा, पोटेशियम भी. तो वो ए और बी चुनना बेकार है. सी और डी रीजनिंग मैंने आपको दे दी कि सी और डी क्यों बताया मैंने. अब इसमें आपको इस चैप्टर से किसको कंसंट्रेट करना है, किसको आपने देखना, काउंटर करंट मैकेनिज्म और रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, ये दो टॉपिक आप देखिए, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. और 13 तारीख को हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि कितनी प्रिडिक्शन सही हुई कि नहीं हुई. तो 13 तारीख को मिलता हूँ. आपको क्या पढ़ना है, ये दो टॉपिक पढ़िए आप. पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्वेश्चन मिलेगा, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन से क्वेश्चन मिलेगा आपको पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.